योग में ऐसी दृष्टि हमें मिलती है जिससे कि सृष्टि को लेकर के बहुत भ्रम रहता है, खुद को लेकर के, जीवन को लेकर के, जगत को लेकर के, संबंधों को लेकर के बहुत भ्रम रहता है हमें। ये सब भगवान के बनाए हुए संबंध है, बोलते हैं ना भगवान के बनाए हुए जोड़े, उन्हीं के रिश्ते बनते हैं। हाँ, अब सुनो, मैं दो चार बातें बता के अभी अपनी बात को पूरा करूंगा। आज से जो आपको सिखाया उसमें जीना, ये संसार भोग की वस्तु नहीं, संसार भगवान का रूप है बस, और उसको वैसे ही जीना शुरू करेंगे ना तो संसार वही होगा, माता पिता पति पत्नी वही होंगे, गुरु वही होगा, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली बदली दिखेगी, नई नई दिखेगी, बड़ा सुख मिलेगा। अच्छा, अब आगे की बात करता हूं। 24 घंटा तो आंख बंद करके नहीं बैठना ना, अब तो ध्यान करा लिया, अब फिर काम करना है। हाथ दिए ना भगवान ने, हर काम को उसकी पूजा की तरह करना है। मेरे से एक बोला, बाबा जब तू योग ध्यान कराता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तू काम की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, देश दुनिया की बात करता है, तब हमको समझ में नहीं आता, तब हम फिर पजल्ड हो जाते हैं, फिर हमारे मन में संशय आता है, बाबा ये क्या कर रहे हैं। सुनो, योग से मिलेगी शक्ति, उसका उपयोग करना है यज्ञ में। तो हमारे भारतीय संस्कृति के दो पक्ष हैं, एक योग दूसरा यज्ञ। योग से सामर्थ्य मिलेगा, उसका उपयोग सेवा में करना है, सृजन में करना है, सबको सुख देने में करना है। अब समझ में आ गया, दो पक्ष हैं हमारे अध्यात्म के, एक योग दूसरा बोलो यज्ञ। योग से शक्ति मिलेगी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, मैं बोल रहा था ना, दैहिक शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय शक्तियां मिलेंगी, उसका उपयोग किस में करना, सेवा में, संसार के उपकार में। इसलिए ऋषि दयानंद का, संसार का उपकार करना इस समाज का, सब साधकों का, सब सन्यासियों का मुख्य उद्देश्य है, संसार का उपकार करो, सबकी भलाई। तो हम किसके लिए जीते हैं, या तो अपने लिए जीते हैं या अपनों के लिए जीते हैं। अपने लिए माने अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन की भूख मिटाने के लिए, और अपनों के लिए अपने दो चार जो संबंधी उनके लिए। तो अध्यात्म क्या, सबके लिए जियो। अब बड़ा दर्शन समझ में आ गया। तो संत योगी सन्यासी अपने लिए और अपनों के लिए नहीं जीते, वो सबके लिए जीते हैं और सब उनके हो जाते हैं। अच्छा, अब अगला, योग और यज्ञ दो समझ में आ गए। तो योग से शक्ति अर्जित हुई, इसका उपयोग किस में करना है, यज्ञ में। यज्ञ माने सेवा में, संसार की भलाई में, समष्टि के लिए जीना है, फिर अपने लिए नहीं। व्यष्टि का समष्टि में लय हो गया, ये योग। अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं। ऋषि दयानंद के बारे में श्री अरविंद से पूछा, ऋषि दयानंद को आप क्या कहेंगे, कैसे महापुरुष हैं? तो कहते हैं ऋषि दयानंद एक ऐसे महापुरुष हैं जो भीतर से पूर्ण शांत और भीतर से पूर्ण क्रियाशील। जरा शब्दों को गौर से सुनना, यह आध्यात्मिक जीवन की परिभाषा है, यह आध्यात्मिक जीवन की डेफिनेशन है, यह आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है, और आपको भी ऐसा बनना है, हम सबको भी ऐसा बनना है। भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। जब मैं ध्यान कराता हूं तब लोग कहते, बाबा आप बड़े प्यारे लगते हो, लेकिन जब आप धाड़ते हो तब हमको डर लगने लगता है। मैंने कहा डरो मत, भगवान के भी दो रूप है, एक वो पूर्ण शांत है और दूसरी उसका रुद्र रूप है, वो वसु भी है, रुद्र भी है, वो न्यायकारी भी है, वो दयालु भी है। तो ऐसा अपना जीवन बनाना है। चलो, एक पक्ष बताया, शरीर मन आत्मा, वो योग से सब समर जाता है, प्राणायाम से बॉडी शेप में भी आ जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल भी बन जाती है, बॉडी एनर्जेटिक भी बन जाती है। हाँ, प्राणायाम करोगे ना तो अपने आप ही पेट शेप में आ जाएगा, भुजाएं जंघाएं पूरा कुल्ले सब शेप में आते जाएंगे, बॉडी एनर्जेटिक होगी, फ्लेक्सिबल होगी, सब कुछ, आरोग्य भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। फिर ये जो व्यायाम किया जा रहा है ना, ये अतिरिक्त बल की प्राप्ति, जैसे एडवांस योग से अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति के बारे में बात कर रहे थे ना, तो सामान्य शक्ति तो सबके अंदर है, अब इसमें अतिरिक्त शक्ति पैदा करनी है शरीर में, तो उसके लिए व्यायाम, तो एडवांस व्यायाम, एडवांस आसन,
एडवांस आसन क्या है? शीर्ष आसन, मयूर आसन, ये एडवांस आसन है। तो एडवांस आसन तो कल बताएंगे, आज एडवांस व्यायाम बता देते हैं। योग में भी अब जैसे षटकर्म है वो एडवांस योग में आ जाता है, प्राणायाम में भी फिर और एडवांस प्राणायाम, मैंने कहा ना उनका समय बढ़ता जाता है। तो अब एडवांस व्यायाम आज बता देते हैं, फिर कल बाकी लेंगे। तो इस बार हमने विषय रखा एडवांस योग एंड एडवांस मेडिटेशन, एडवांस लाइफ। अब इसको दूसरी तरह से बोले तो डिवाइन लाइफ, डिवाइन बॉडी। हां, डिवाइन बॉडी भी होती है, संत महापुरुषों का दिव्य शरीर होता है। डिवाइन बॉडी, डिवाइन आईज, डिवाइन लाइफ, डिवाइन वॉइस। एक आदमी बोलता है तो उसकी घरवाली भी उसकी नहीं सुनती है, एक बोलता है तो सारा संसार उसकी सुनता है। तो दिव्य वाणी हो गई ना, आपको भी ऐसी बनानी है। हाँ, बहुत लोग बोलते बाबा मेरा पति ना मेरी बात सुनता ही नहीं। मैंने कहा तू अपने को, इसका मतलब तेरी आवाज में ताकत नहीं है। तो बोले बाबा जी क्या जोर जोर से बोलूं? मैंने कहा ना और गड़बड़ हो जाएगी और लड़ाई हो जाएगी। तो अब सुनो, अब मैंने काफी बातें आपको आम आदमी के लेवल से समझाई है। मैंने ना, मैं हमेशा बात करता हूं तो आम आदमी के स्तर से करता हूं। मैं ऐसी बहुत ऐसी गहरी बातें, ऐसे ऐसे ऊंचे शब्द नहीं बोलना चाहता जो आपके मतलब भीतर घुसे ही नहीं। तो समझ में आ